भव्य घाटों का वो दिव्य स्वरूप आप देख पा रहे हैं। चारों ओर प्रकाश मालिकाएं प्रकाशित हो रही हैं, अनेक नौकाएं कोरोना काल चल रहा है, सुरक्षा की दृष्टि से जो भी नियम है जिनका माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार उल्लेख करते हैं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, हाथों की सफाई आप बार बार करते रहें, उसी का पालन करते हुए। और ये स्वर्ण शिखर, बाबा विश्वनाथ का वो स्वर्ण दिव्य शिखर, कहा जाता है अगर हम गर्भगृह तक नहीं पहुंच पाए तो अगर हम शिखर दर्शन भी कर लें तब भी दर्शन के फल की प्राप्ति होती है। धीरे धीरे परिसर से होते हुए गर्भगृह की ओर जाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके साथ मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और गर्भ ओ घेतां वश्यधामा
मृगभक्षि हर्यम् वा मधुपाताहृदायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः मादृणः सन्तोषधीः मधुरक्तमुतो घसो मधुमत्पार्थिवगोरजः मधुद्यौ पिता मधुमाजौ वनस्पतिर्मधुमाम् मधुसूर्यः मादृगावो भवन्तु नः अपाकुरसमृद्वयसकोसूर्ये सन्तकुम् समाहितम् मालपाकुरसजो रससंभो गृणामुतममुपयामभिः चिन्ताय स्वा दुष्टम् गृह्णामि भतेजो निरिन्द्राय स्वा दुष्टतमम् मा सुतमानः तव सुद्धबालो परिवारसः श्रियाः शेषः शेषाचो ऋणशेषाय पशुपतये करणायामाय वलिता रौद्रा नमो रूपाः पाचन्याः पुरातो ज्योतिघा सह शर्मपरो तमा सरस्वः पाशो अग्ने विश्वरूपको सन्धयस विभावसो नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेन्दुके अतो जय अचस्वानो हन्तेभ्यो करन् नमः त्र्यम्बकञ्जयामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनपूर्वारुकमिव वन्दना मृत्यो मुक्षीयमामृतातो अखण्डमेव दन्तयव प्रियाय दोपदाय सोपदस्वभा नमो विभ्रान विषयामधीयो जानवेन्द्रते हरिजानाञ्जवदग्नेः कश्यपश्य प्रायुगम् मायते मे पुत्रायुगम् तन्नो वसुयायुगम् मा नमो गृह्णे च कवचिने च नमो कर्मिणे च मरुतिने च नमः सुधाय सुतसेनाय च नमो तुन्द्व्याय च हनन्याय च मृदलम् त्रिगुणाकारम् त्रिनेत्रम् च त्रिधायुधम् त्रिजनमपापसंहारम् बिल्वपत्रम् शिवार्पम् ॐ नमः शिवाय प्रतिमोदमम्पवतीः पशुपरिः अर्वारिव शल्परिर्भिरुदः पारयितम् अहिरिव भोगैः पचेति बाहुञ्जाया हेतिम् परिवादमानः सर्वा विश्वा वयुनानि विद्वान् पुमान् पुमान् कुशम् परिपातु विश्वतः नैवेद्यम् पुरतः सन्ताप्यो इदगोहविः प्रजननम्बे अस्तु दशवीरगो सर्वगणकुशस्तये आत्मधनि प्रजा प्रतिपदुधनि लोकसङ्ख्याय धनि अग्निः प्रजाम् बहुलाम् मे परो पञ्चम् पयोरेतो अर्वाशुकरगौरवम् वरुणादारम् दन्तारसारम् भुजगेन्द्रहारम् ददामदन्तम् हृदयारविन्दे भवाम् भवानी दैताम् नमामि दैलति दैकरम् त्वयैरिवनाभिवन्दनभ्याम् वासुवन्दनम् आराधिकग्रहणाम् क्षालनाम् आरारिकग्रहणम् हस्तप्रकाशनामोन्नतपुरुषाय विमहे महादेवाय विमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयातोतरङ्गरमयीयनाथम् गौरीनन्दविभूषितमानुभागम् नारायणप्रियमनम् गमनाभारौ भारायतिपुरपदिम् भज विश्वनाथमहाय विमहे महादेवाय विमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् समर्पयामि नमस्करोमि अनेन यथाशक्ति पूजन पूर्वक ब्राह्मणे सह अर्जन कर्मण तेन काशी विश्वेश्वर शाम्बशदा शिव प्रीयता नमः विश्वनाथ की जय हरि हर शिव हर
बाबा विश्वनाथ का पूजन किया। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरी। राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना की कि सभी प्रकार के संकट दूर हों, राष्ट्र निरंतर समृद्धि की ओर अग्रसर हो, कोरोना जैसी जो महामारी का संकट आया है वो संकट दूर होकर यहाँ के समस्त निवासी स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और दीर्घायु हों, ये कामना एक राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी बाबा से की। एक बार पुनः अभिवादन करते हुए बाबा के दरबार में आकर पुनः एक बार नतमस्तक होकर आशीर्वाद लेते हुए देश उनके नेतृत्व में निरंतर प्रगति के नए सापान। माननीय प्रधानमंत्री जी को अभी मंदिर के अर्चकों ने, विद्वानों ने आशीर्वाद दिया। मंत्रार्था सफला संतु, पूर्णा संतु मनोरथा, शत्रुणाम बुद्धिनाशोस्तु, मित्राणाम उदयस्तव। शत्रुओं का विनाश हो, देश के शत्रु अनुकूल हों हमारे लिए और मित्र अधिक से अधिक हमारे लिए सहायक हों, बाबा विश्वनाथ से ये प्रार्थना की गई। बाबा विश्वनाथ का वो अनुपम दिव्य स्वर्ण शिखर दूर से ही अपनी स्वर्णिम आभा बिखेरते हुए भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र, हर हर महादेव के उद्घोष के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को